अमीर बनने के लिए पांच गलतियां मत करो, इसके बारे में आपसे बात करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। काफी लोग ऐसे हैं कि जो जिंदगी भर कष्ट करते रहते हैं, हार्डवर्क करते रहते हैं और वो कभी अमीर होते नहीं है। उनको ये नहीं समझता कि अमीर क्यों नहीं हो रहे, और बहुत सिंपल सी सादी सी बातें रहती है कि जो यदि वो करते हैं ना तो वो अमीर हो जाएगा। एक है कि वो लोग वो अपने लायबिलिटी के ऊपर यदि खर्चा करते हैं तो अमीर नहीं बन सकते जल्दी। लायबिलिटी के ऊपर खर्चा करना, इसका मतलब कि जो चीजें प्रोडक्टिव नहीं है उसके ऊपर खर्चा करना, जहां से मुझे इनकम नहीं हो सकता है वो चीजों के ऊपर खर्चा करना, जैसे बहुत महंगे कपड़े, शूज, लैपटॉप, मोबाइल्स और बहुत महंगी महंगी चीजें लाना और ऐश आराम की जिंदगी जीना, होटलिंग के ऊपर खर्चा करना, पहले ऐसे बहुत बड़े बड़े खर्चे जो है वो लगा लेना कि जिससे बाइक है वो भी अपने इंस्टॉलमेंट से आ रही है, ऐसे खर्चे लगा लेना कि जो खर्चों से मतलब अपने जेब में से पैसा बाहर जा रहा है। अमीर लोग जो है वो असेट के ऊपर खर्चा करते हैं कि जो चीज़ें, ऐसी चीज़ें वो खरीदते हैं कि जो चीज़ें खरीदने के बाद में वहाँ से इनकम बढ़ेगा और वो इनकम से वो अमीर हो जाएगी। मेरा ऐसा कहना नहीं है कि आप ऐसा खर्चा मत करो, ऐश आराम की जिंदगी मत जियो, ऐसा मेरा कहना नहीं है। और मेरा ऐसा कहना है कि आप जो पैसे कमा रहे उसमें से ऐश आराम की जिंदगी या ऐश आराम के जो खर्चे वो मत करो, आपकी जो असेट है वहां से जो आपको इनकम आ रहा है वो इनकम से आप जो भी मौज मजा करने वाले चीजें है वो ला, वो खरीदो। दूसरा पॉइंट जो है वो कि कुछ लोग जो है वो बचत करने में लगे रहते हैं। बचत करना, खर्चे कम करना, उसके ऊपर ज्यादा फोकस रहता है और अपना ज्यादातर टाइम उसमें गंवाते रहते हो कि बचत कहां से करूं मैं, कहां पैसा बचाऊं, और फिर उसमें उनको बहुत टाइम निकल जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता है। कुछ कुछ लोग भाई 50-60 रुपए बचाने के लिए सब्जी मार्केट में 2-2 घंटे घूमेंगे और पैसा बचाएंगे। इससे अच्छा वो ये सोचते नहीं है कि भाई मैं सब्जी मार्केट में नहीं गया, अच्छी सब्जी लाया और जल्दी से जल्दी ला के लिया मैंने किससे भी, और वो टाइम में और खर्चा यहाँ ना करते हुए और कहीं खर्च कर सकता हूँ जहाँ से मुझे 1,000-1,200-1,500 रुपये मिल सकते हैं तो डेफिनेटली मैं अमीर हो जाऊँगा। फिर तीसरी चीज़ जो है वो है कि अपने ऊपर खर्चा नहीं करना। देखो लोग है ना खर्चा करते हैं तो वो आंखों के नीचे वाला जो पार्ट है उसके ऊपर खर्चा करते हैं, आंखों के ऊपर जो पार्ट है उसके ऊपर खर्चा नहीं करते। अपनी प्रगति करना है तो नई नई चीज़ें सीखना, कॉन्फ्रेंस में जाना, बुक्स पढ़ना, वर्कशॉप्स करना है ना, सेल्फ डेवलपमेंट के वर्कशॉप्स है, कोई सेमिनार्स करना है तो मतलब नई नई बातें आप सीखते हैं, वो इम्प्लीमेंट करते हैं लाइफ में तो बहुत मज़ा आएगा और आपकी तरक्की हो जाएगी। मगर होता क्या है कि हमारा हमको खाना अच्छा होना, पहनना अच्छा होना, मौज करना, घूमना है, अच्छे बड़ी गाड़ी में घूमना है, उसके लिए हम बहुत सारा होटल जाएंगे, वहाँ बहुत खर्चा करेंगे, डांस गाने में खर्चा करेंगे, मौज मजा करेंगे, बड़े होटल में जाके बड़े बड़े बिल करेंगे, शराब पियेंगे, बड़ी बड़ी सिगरेटें पियेंगे, उसमें खर्चा करेंगे। तो वो ना करते हुए आँख के ऊपर आप कितना खर्चा करते हो वो देखो और वहाँ खर्चा करेंगे तो आपकी तरक्की होगी। फिर नेक्स्ट है चौथा पॉइंट कि भाई अपना टाइम जो है वो आप टाइम फालतू खराब मत करो। और समय जो खराब हम करते हैं वो घंटों में खराब नहीं होता, वो मिनटों में खराब होता है। काफ़ी सारे आपने देखना चालू किया तो आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि छोटे छोटे काम जो है उसमें हमारा समय खराब हो जाता है। समझो आपको चाय पीने की इच्छा हो गई, आपने घर में पत्नी को बोला कि भाई चाय कर दो और वो चाय बना रही है तो उसमें 5 मिनट का टाइम जाता है, वहाँ बैठे रहते और अपना 5 मिनट निकल गया, वो आपने प्लानिंग नहीं किया था कि चाय कितने बजे पीना। या फिर आपको खाना खाने का है तो खाना खाने के लिए आप डाइनिंग टेबल पे जाते हो और वहाँ आप बैठते हो खाना खाने के लिए, उस समय खाना बनाने को टाइम लगता है, पत्नी बोलती है कि गरम गरम चपाती लाती है आप जरा बैठो, आपका टाइम उसमें चले जाता है। मेरा मतलब ऐसा नहीं कि गरम चपाती मत खाओ, टाइम कैसा बचा सकते हो वो देखो। क्या मैं प्लानिंग की ज़िंदगी जी रहा हूँ, क्या मेरी हर बातें जो है वो शेड्यूल्ड है, और शेड्यूल्ड बातें यदि है मेरी तो मेरी तरक्की हो जाएगी। तो हम बातें यदि करते हैं तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा। इसके अलावा हमने ये देखना है कि भाई हमारे रिलेशनशिप कैसी है। जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग जो सक्सेसफुल जो लोग हैं उनकी रिलेशनशिप बहुत ज़बरदस्त रहती है, उनकी उनके मतलब स्नेह जो है बहुत रहता है, उनके रिश्ते बहुत बड़े बड़े लोगों से रहते हैं। ऐसा बोला जाता है कि आप कौन हैं ये हमको मालूम पड़ेगा कि आपके आजू बाजू में जो 5 लोग हैं उसका एवरेज निकालेंगे, तो आपकी संपत्ति कितनी है, आपके आजू बाजू में जितने 5 लोग हैं उनके एवरेज निकालोगे तो आपकी संपत्ति है। आपका स्वभाव कैसा है कि आपके आजू बाजू में जितने 5 लोग हैं
उनका एवरेज निकालेंगे तो आपका स्वभाव बन जाता है। तो आपके आजू बाजू में लोग कौन है, रिश्ते आप कैसे बना रहे, वहाँ आप देखते तो आपको पता चलेगा कि भाई वो जो लोग हैं उनसे ही मैं अमीर बन सकता हूँ। तो आपको अमीर बनना है तो अमीर लोगों के संपर्क में रहना पड़ेगा, अमीर लोगों से संबंध बनाना पड़ेगा, रिश्ते बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको अमीर लोगों के भीड़ में खड़े रहना पड़ेगा। अमीर लोगों की भीड़ में खड़े रहे तो आपको भीड़ आगे लेके निकल जाएंगी। तो ये बातें जिनको जिनको ऐसा लगता है कि मेरे में क्या कमी है, मैं ऐसा क्या हो रहा है कि मैं अमीर नहीं बन रहा हूँ, ऐसा क्या हो रहा है कि मैं सफल नहीं बन रहा हूँ, उनको जरूर ये वीडियो शेयर करो ताकि उनको कुछ ना कुछ यहाँ से फ़ायदा मिलेगा। आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।